माघ मेले मोहम्मद जी सम्राट का करके तुम वार किए तन में पड़े श्राप सुल्तान सिंह ये मेरा श्राप है कि तेरे तन बदन में कीड़े पड़े इतना बड़ा श्राप सुल्तान सिंह ये बात महारानी को मालूम है कि तुम महाराज का खून करके आ रहे हो। देखिए हमारे कहने के अनुसार काम करो। महारानी की जो गोद में ये दुधमुहा राजकुमार है इसे छीनो और शराब दादे के कम से कम तीन टुकड़े बना दो। उदय नगर की महारानी सुल्तान सिंह अबे साला मुझे लगला अबे देखिए कहिए सुल्तान सिंह कहिए हम अपने दुश्मन को ज्यादा देर जिंदा नहीं रखना चाहते हैं। ठीक है या तो उसे मैं गोली मारता हूँ या शराब दादे को जिंदा दफन कर देता हूँ। चलो भाई तलवार और शराब दादे को कम से कम तीन टुकड़े बना दो। ठीक है महारानी जी आज तेरे ही सामने तेरे श्राप कुमार को तरबूज की तरह मैं काटूंगा। छोड़ के यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है दोबारा यहाँ वापस नहीं आना चाहिए। ठीक है महारानी जी तुम्हारा बच्चा तुम्हारी गोद में है और इस बच्चे को लेकर ये उदयनगर जैसा जितनी दूर में है तुम्हारे कदमों के निशान नहीं मिलने चाहिए। ये रियासत छोड़कर फौरन यहां से चली जाओ। मेरे राजा मेरे
में देखो, ऐसे लगता है कि किसी ने हमारी बातों को सुन लिया है। जी हाँ, हम आगे बढ़कर देखते हैं, किसी की परछाई आ रही है, आखिर है कौन इंसान। ठीक है, चलिए। ठीक है, मैं जा रही हूँ अपने घर स्वामी। सुल्तान सिंह कौन है ये? अफसोस, तुम इसे नहीं जानते हो। कौन है ये? तुम्हारा दुश्मन जिसका नाम है सेनापति प्रताप सिंह, उसकी धर्म पत्नी जिसका नाम है दुर्गावती। महामंत्री जी, उससे तो हमें बहुत जल्द मुलाकात करना है। प्रताप सिंह ने तुम्हारे हाथ में हथकड़ी डालकर मारते हुए अपमानित किया है और राज दरबार लाया है। जी हाँ, आगे बढ़ो, दुर्गावती को जिंदा मत छोड़ो, गोली से भून दो। चलिए, गोली तो तुमने चलाया है। जी हाँ, लेकिन दुर्गावती घायल अवस्था में है और भागती हुई ये अपने पति के पास जरूर जाएगी। इसका पीछा करो, ये जिंदा वहां तक पहुंच ना पाए, नहीं प्रताप सिंह को ये बात मालूम हो जाएगी। जी हाँ, चलिए। माखुलाल, देखिए मैं बॉर्डर से वापस आया हूँ और मुझे नींद लग रही है, मेरा बिस्तरा लगाओ, मैं आराम करूंगा। जाओ, तुम भी आराम करो, आराम करो, जाओ। नींद क्या सुख चैन की, उठो Yeah।
महाराज को मंत्री व सुल्तान दोनों मिलकर के गोली मार दिया और महारानी के ऊपर चढ़ाई किया। मैं वहां पहुंची, महाराज के बेटा मैं लेकर के चली आई और अपना बेटा महारानी को दे आई। उसकी जान खतरे में है और मेरे लाल की जान खतरे में, इसे लेकर को आप निकल जाइए। लेकिन स्वामी वचन दो कि जो मेरा लाल गोद में है इसको तुम्हें बचाना होगा। प्रिय, मैं मानता हूं ये तो राजकुमार का राजकुमार है, लेकिन तुम्हारी पीठ में गोली लगी है, मैं तुम्हें छोड़कर कैसे चला जाऊं? स्वामी तुम्हें मेरी सौगंध है, स्वामी तुम्हें मेरी कसम है, स्वामी हाँ स्वामी इसकी जान अवश्य बचाइए, स्वामी मेरी फिक्र मत छोड़ो। स्वामी तुमने कसम देकर हमारे हाथों में हथकड़ी पैरों में जंजीरें डाल दी है। दुर्गावती वैसे तो तुम्हें छोड़कर जाने को जी नहीं कहता, इसलिए तुम घायल अवस्था में हो, लेकिन तुमने मुझे कसम दे दिया, इसलिए मैं राजकुमार की रक्षा करूंगा और राजकुमार को लेकर के जा रहा हूं। ठीक है स्वामी, मेरे बेटे की रक्षा करना, राजकुमार की रक्षा करो। देखो मेरे सामने अंधेरे छा रहा है। नहीं प्रिय, नहीं, 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 नहीं। भगवान ये कैसा दिन दिखाया हमारे सामने, मेरी पत्नी ने प्राण त्याग दिया और कसम भी दे दी कि राजकुमार की रक्षा अब तुम्हारे हाथों में है। मैं कितना बड़ा बदनसीब हूं कि मैं अपनी पत्नी का दाह संस्कार भी नहीं कर सकता। मैं निकल रहा हूं, कहीं वो जालिम यहां ना आ जाए। ठीक है, मैंने अपनी पत्नी को वचन दिया है कि मैं राजकुमार की रक्षा करूंगा। मैं इसे लेकर खुफिया रास्ते से महल के बाहर निकल जाऊंगा और इस रियासत को छोड़कर कहीं दूर चला जाऊंगा। उसके बाद जब सयाना होगा तो फिर हम सोचेंगे कि हमें करना क्या है। सुल्तान सिंह कहिए, मेरा सोचना बिल्कुल सही था। दुर्गावती अपने मकान तक आई और उसकी गोद में एक बच्चा था, उसकी तलाशी लो, वो बच्चा है कहाँ? देखो जीवित है या खत्म हो गया। दोस्त कोई बच्चा नहीं है उसके पास में, और भी ये भी खत्म हो चुकी है। लेकिन देखो सामने, देखो घोड़े पर सवार कौन जा रहा देखते हो? लगता है आवाज नहीं है, लगता है सेनापति प्रताप सिंह है। और आगे बढ़ने देखते हैं, चलिए। मैं दूसरा फटक पार हो चुका हूं, अब तीसरा फटक पार करने के लिए मुझे चुपचाप निकलना होगा, किसी को कानो कान खबर नहीं होना चाहिए। सुल्तान सिंह कहिए, ये तो सेनापति प्रताप सिंह है। जी हाँ, ये तुम्हारा पक्का दुश्मन है। जी हाँ, इसकी पत्नी का मौत की नींद सुला दिया तो प्रताप सिंह को भी मौत की नींद सुला दो।
ठीक है, जिंदा बचने ना पाए, आओ हम आगे बढ़ते हैं। चलिए देख कर रहा हूं, क्या देख रहा हूं कि मेरे पीछे चालीम वह सुल्तान सिखा रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, लेकिन मरते मरते मैं राजकुमार की रक्षा करूंगा। सेनापति प्रताप सिंह, आइए महामंत्री, बहुत होशियारी से महाराज के इस राजकुमार विमल सेन को लेके भाग रहे हो, ये बताओ किसका बच्चा है? क्या करोगे जानकार? सब बताओगे सुल्तान सिंह, ये तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हारे रास्ते का काटा है, इसी की वजह से तुम्हारा सारा काम रुक गया है, इसने तुम्हें सीमा सरहद से गिरफ्तार करके महाराज के दरबार तक लाया, काफी तुम्हारी पिटाई की, आज प्रताप सिंह को तुम जिंदा नहीं छोड़ोगे और उस बच्चों को भी मार दो। महामंत्री कहो, मेरा रास्ता छोड़ दो। प्रताप सिंह अगर ऊंची आवाज में बात किया तो कसम भगवान की तलवार तुम्हारे सीने से पार कर दूंगा। कि तुम्हारी बुद्धि से केवल रियासत चलती है तो, और हमारी बाजुओं से इस रियासत की रक्षा। चिल्ला रहे सुल्तान सिंह, कहिए ये हराम ज्यादा यहाँ से जाने न पाए, इसे खत्म कर दो। जान की खैरियत चाहते हो तो मेरा रास्ता छोड़ दो। सेनापति प्रताप सिंह, मैंने उसी दिन तुझे कह दिया था कि तत्काल मेरी फांसी करा दो, वरना हम तुम्हारे पूरे खानदान को मिट्टी में मिला देंगे, समझा? तैयार हो जाओ मरने के लिए। ये घोड़े पर सवार होकर फिर भगा जा रहा है, एक गोली उसके पैर में लग चुकी है। जी हाँ, जा नहीं सकता आगे, चलिए। क्या बताऊं, मेरे पैर में गोली लग गई है। सुल्तान सिंह कहिए, सामने गंगा नदी है। जी हाँ, अगर ये गंगा का पुल पार कर गया तो मेरे हाथ नहीं लगेगा और ना वो बच्चा मिलेगा। जी हाँ, राजकुमार है ना जाने इसका बच्चा है, इसका पीछा करो, पुल पार न करने पाए। ठीक है, ऐसा लगता है कि महाराज कुमार की रक्षा नहीं कर सकता, गोलियां हमारे बदन में लग चुकी हैं, सामने गंगा नदी दिखाई दे रही है, मैं इसे राजकुमार को लेकर के चला गया। सुल्तान सिंह कहिए, प्रताप सिंह को कई गोलियां लग चुकी हैं। जी हाँ, लेकिन अफसोस इस बात का है, उसी ने गंगा नदी में छलांग लगा ही दिया है, लेकिन चिंता नहीं बचेगा, इतना गहरा पानी है कि वो डूब कर खत्म हो जाएगा। जी हाँ, हम वापस चलते हैं, मर जाने दो साले को, इतना गहरा पानी है तो डूब कर खत्म हो जाएगा, आइए वापस चलते हैं। चलिए, हेलो, हाँ दोस्तों, हेलो, हाँ दोस्तों, हमारे संगीत की तरफ ध्यान दीजिए, देखिए महामंत्री जालिम सिंह व सुल्तान सिंह मिल करके सेनापति प्रताप सिंह के ऊपर गोलियां चला देते हैं। सेनापति प्रताप सिंह राजकुमार को लेकर गंगा नदी में छलांग लगा देता है, अचानक सेनापति के हाथ से राजकुमार बिमल सिंह छूट जाता है, धीरे धीरे तैर करके उस पार पहुंचता है, उसी जंगल में एक जखीरा जिन रहता है, ध्यान दीजिएगा, जखीरा जिन। या भगवान, मैं क्या करूं, मैं दरिया को पार कर चुका हूं, लेकिन मैं कहां जाऊंगा, मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है। मदद कीजिए ताजे
दरदारे मदीना मदद कीजिए काजदारे मदीना। इन्हीं आँखों से कपड़ा है सबसे पहले जो मेरे सर पर घाव हैं मैं इसे ढकूं ताकि जो खून निकल रहा है वो बहना बंद हो जाए। ये जो टोपी लगा लेता है हम उसके गुलाम हो जाते हैं मेरे आका। क्या कहा? जो तुम्हारी टोपी लगा लेता है तुम उसके गुलाम हो जाते हो? हाँ मेरे आका। तो ये क्या आपकी टोपी थी? ये जकीरा नाम है मेरा, ये मेरी टोपी है, इसे जो अपने सर पर लगा लेता है हम उसके गुलाम हो जाते हैं। कहने का मतलब कि आज से तुम मेरे गुलाम हो गए हो? हाँ मेरे आका। जो मैं कहूँगा तुम वही करोगे? हाँ मेरे आका। जखीरा जिन, अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो मेरे लिए एक काम कर दो। फरमाइए मेरे आका। ये जो मेरे बदन पे घाव है सिर्फ इन्हें ठीक कर दो बस। घबराइए नहीं, अभी ठीक करता हूँ मेरे आका। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र। अल्लाह रहीम गफूर है। जरूर किसी न किसी को मदद के लिए भेज देता है। जखीरा जी, आज से तुम मेरे गुलाम नहीं, तुम मेरे दोस्त हो। नहीं मेरे आका,
आज से हम तुम्हारे गुलाम हो गए हैं। आप जो भी कहेंगे हम वो काम करने के लिए थोड़ा हाजिर हो जाएंगे। नहीं जखीरा, जो काम तुमने किया उससे मैं बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें अपना भाई मानता हूँ, मैं तुम्हें गुलाम नहीं मानता। जो आज्ञा हो मेरे आका। जखीरा जाओ, हम जब कभी तुम्हें याद करेंगे तो जरूर मिलोगे। जरूर मिलेंगे मेरे आका। अच्छा तो मैं चलता हूँ मेरे आका। ठीक है। मेरे घाव तो ठीक हो गए लेकिन मेरे मस्तक पर एक कलंक का टीका लग गया। मेरी पत्नी दुर्गावती ने कहा था कि राजकुमार की रक्षा तुम्हें करना है और राजकुमार गंगा नदी में मुझसे पिछड़ गया। अब मैं उसे कहां ढूंढूं, कहां जाऊं, क्या करूं? लेकिन महाराज कभी कभी कहा करते थे कि हमारे बच्चे शंकर भगवान के पूजा के फूल हैं, तो मुझे विश्वास है कि गंगा नदी में छूटा जरूर है राजकुमार लेकिन जीवित है। हम अपना भेष एक साधु फकीर का बनाकर हम नगर नगर द्वारे द्वारे राजकुमार को ढूंढेंगे और जब तक राजकुमार नहीं मिल जाता तब तक हमारे मस्तक पर जो कलंक का टीका लगा हुआ है यह खत्म नहीं होगा। राजकुमार आज से मैं तुम्हारी याद में साधु फकीर का भेष बन करके ढूंढेंगे, निकलेंगे और तुम्हें हम ढूंढेंगे। जहां कहीं मिलोगे हम तुम्हें लाकर फिर महारानी के हुजूर में पेश करेंगे लेकिन कब मिलोगे कोई पता नहीं।